हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत बच्चों और आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत कट टू कट शॉर्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे आप जो एग्जाम देने वाले हैं सीडीएस 2024 का, उसमें आप इस वीडियो को जाते जाते रास्ते में देख लेना कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी को आप सटीकता से अगर फॉलो करते हैं तो आप मेरी तरह बहुत आसानी से सीडीएस, जैसे मैंने 5 बार पास किया था, 5 सीडीएस मैंने पास किए हैं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, आराम से पास कर लोगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा है स्ट्रेटेजी वीडियो, सब बच्चों के साथ शेयर कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर, क्योंकि मेरे एग्जाम एनालिसिस भी आएगा और सेंटर एनालिसिस भी आएगा, दोनों चीजें मैं डालने वाला हूं। चलो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। खासतौर से लड़कियां ध्यान से देख लें, इंग्लिश का पेपर सबसे पहला होता है और सबसे मेजर पेपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर इंग्लिश का होता है। देखो इंग्लिश में क्या क्या चीजें, मैंने ट्रेंड एनालिसिस डाला है 2019 से 2023 का। 24 का पहला पेपर तुम लोग अभी दे रहे हो, 24 का तुम लोग पहला पेपर दे रहे हो, तो ये देखो स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, सिलेक्शन और सिलेक्टिंग वर्ड मिलेगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस जिसको बोलते हैं PQRS, है ना, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस PQRS, वर्ड इन अ सेंटेंस ये PQRS, S1S6, एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी फिल इन द ब्लैंक क्लोज ग्रामर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। कहां कहां पे नंबर खींचे जा सकते हैं स्पॉटिंग द एरर में आपको हो सकता है, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा है, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा है, जैसे मेरे बैच के बच्चों को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत तरीके से पढ़ाया था, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब, ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरे 100% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जितने भी पैसे जाएंगे अच्छे से तल्लीनता से पढ़ना, आराम से पढ़ना, शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, कोई नंबर उसमें नहीं कटता, ठीक है। RC आप पूरे कर लेना, उसके बाद सेलेक्टिंग वर्ड्स ये भी हो जाता है, फिलर जो होता है ना कौन सा वर्ड कहाँ फिट होगा वो भी हो जाता है आराम से, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस PQRS, है ना, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस PQRS, S1S6, ये दो जो चीजें हैं PQRS और आपका S1S6 सारे सही होते हैं, किसी का कोई गलत नहीं होता। मैंने जब इंग्लिश का जो मॉक कराया है मेरे मॉक पे नजर मार लेना, मैंने कैसे तरीका बताया उस तरीके से आप करोगे आपका सॉर्टेड है, ठीक है बच्चों। यहां तक पूरे नंबर बनते हैं। स्पॉटिंग द एरर में तुम हो सकता है एक दो तुमको नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ा जा सकता है। इंग्लिश में सबसे बड़ा गुरु ज्ञान में बताऊं तो पहले से लेके 120 क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चन ही टच करने हैं। इंग्लिश में पॉजिटिव में ही जाता है मामला, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत मेहनत करे हो तो, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, आपको शुरू से लेके आखिरी तक सारा पेपर देखना है और नंबर खींचने हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के दम पे ही पेपर पास होता है। एंटोनिम सिनोनिम ये पूरा आपका वोकैब का ज्ञान है, अगर आपने पहले से वोकैबुलरी पढ़ी हुई है तो आप आराम से कर लेंगे। 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 idioms एंड फ्रेजेस, ये बहुत 30 नंबर फ्री के मान लो, जिसको आता है वो बच्चा पूरे करके आएगा, जिसको नहीं आता उसको कुछ कर नहीं सकते, नहीं आ रहा तुक्का मत मारना, ठीक है। मोस्टली इजी आती हैं चीज़ें, अगर आपने PYQ किए हैं, प्रीवियस पेपर करें, 10-12 साल के पेपर सॉल्व करें, याद करिए, वॉकअप पे मेहनत करिए, आपका ऐसे ही हो जाएगा। फिलर्स बहुत इजी, फिल इन दी ब्लैंक्स बहुत इजी, क्लोज टेस्ट अगेन फिलर वाला ही भाई है वो भी, है ना, एंड देन ग्रामर, ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये सेंटेंस दे दिया इसमें ये अंडरलाइन चीज़ क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। जो इंग्लिश का मॉक कराया ना मैंने लास्ट, उसमें मैंने सारा पेपर सॉल्व करवाया था, बताया था तरीका क्या है, उस चीज़ को फॉलो करना है। तो इंग्लिश में आपका सेफ स्कोर, अब बोलोगे कि सर सेफ स्कोर, भाई कोई भी बच्चा नॉर्मली भी अगर जा रहा है ना तो 45 से 50 नंबर तो आराम से ला सकता है, ठीक है, पर क्या 45 और 50 नंबर से काम बनता है? नहीं बनता। आपको कम से कम अगर 75 प्लस स्कोर आपका है, ठीक है, 75 प्लस मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंग्लिश में 97 तक स्कोर किया हुआ है CDS के अंदर, कैसे, क्योंकि मेहनत करता था मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके 70 प्लस का स्कोर आ रहा है तो आप मानो कि आपका पेपर शॉर्ट शॉर्ट निकलेगा, क्योंकि आप कितना भी जोर लगाओगे ना तो GK में आप 40-45 पे ही लैंड करोगे, GK का पेपर टफ होता है, तो 70 और 4 11, 110-115 पे आप लैंड करोगे, कम से कम आपको इतने नंबर लाने हैं एटलीस्ट 70 प्लस, ठीक है, आपको कम से कम 70 प्लस बेटा नंबर इसमें, एक सेकेंड, कम से कम तुमको 70 प्लस का स्कोर करना ही है एटलीस्ट। जिस बच्चे के इससे नंबर कम है बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतना स्कोर करना है और उसके लिए आपको पहले से लेके 120वें क्वेश्चन तक सारे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरा फोकस से एग्जाम देना, घबराना मत, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाए ना वैसे वैसे OMR में बबल भरते जाना, लास्ट तक वेट मत करना, ये मैं कोई बहुत बढ़िया टिप बता रहा हूँ कि लास्ट तक बच्चे वेट करते हैं, पेंसिल से टिक मार लिया पेपर में, लास्ट में सारे बबल भरते हैं, अगर सीरियल ऑर्डर एक भी गलत हो गए ना सारे गलत हो जाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगा, आपको पता ये है बबल भर दिया। अब बबल भरने का तरीका क्या है, बबल को बाहर से अंदर की तरफ भरना, जैसे मान लो ये OMR का तुम्हारा ये है, 4 सेक्शन है, ये A B C और मान लो ये D, ठीक है, ऐसे है, तो आपको अगर B फिल करना है तो बाहर से अंदर की तरफ भरना हमेशा आसान है, बाहर से अंदर की तरफ भरना आसान होता है rather than अंदर से बाहर, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल करना है, तो ये बात मेरी याद रखना, ये मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं करता था, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ भरना है बबल को, ये सारा तरीका अंग्रेजी में फॉलो करना है। 70 प्लस का स्कोर सेफ स्कोर,
70 प्लस जितना ला सकते हो 100 लाओ, 100 ले आओ, 100 में से 120 के 120 सही कर दो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, पर इतने के बिना काम बनेगा नहीं ओटीए में भी, ठीक है। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ये इंग्लिश का ज्ञान हो गया, इंग्लिश में ये चीजें बात मेरी मानना, ये सारा काम आपको इंग्लिश में करना है। अब आते हैं मैं अगले पेपर की तरफ आता हूं। अगली चीज क्या है, जीएस की। अब ये है मैथ का है, सॉरी, ठीक है, जीएस, हाँ ये है जीएस की स्ट्रेटेजी। अब मैं जीएस की बताता हूँ, यहाँ पे लड़कियां भी जुड़ी रहेंगी, लड़के सबको बोलूंगा सेशन को लाइक जरूर करना, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जीएस में क्या है, सेफ स्कोर आपका, अगर सेफ स्कोर क्या है, 35 प्लस का स्कोर अगर आपका है सीडीएस के अंदर, जीएस के अंदर अगर आपका 35 प्लस का स्कोर बन रहा है, दैट इज अ सेफ स्कोर, आपका ओटीए निकल जाएगा। अब लड़कियों की इतने में भी हवा टाइट हो जाती है भाई, इतने बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पढ़े नहीं हो आप, और अगर आपने ढंग से तैयारी करी तो मैं बताता हूँ कितना आसान नंबर खींचना। देखो कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है आपने, अगर मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर जीएस की स्ट्रेटेजी, देखो ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी थी, हिस्ट्री में 19-20 क्वेश्चन जो है, आपने अगर एनसीईआरटीज पढ़ी है, अच्छे से रीडिंग मारी है, तो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, आपने छोड़ दी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशियंट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था मैं, अपने वैसे में ही पढ़ाता हूँ, तो मिडाइवल एंड मॉडर्न के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एरा हो गया, 1857 से 1947 की चीज़ों को एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज मार के चले जाना। 1857 का रेवोल्ट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, मंगल पांडे, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, गवर्नर जनरल, वायसराय की जर्नी जो रहती है, डलोजी का क्या इंपैक्ट था, कॉनिंग, वेलेस्ली इंपैक्ट क्या था, जमींदारी, रायतवाड़ी, सती प्रथा, विधो मैरिज पैक्ट, एनसीईआरटी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। लगभग अगर 19-20 क्वेश्चन अगर मान लो हिस्ट्री से बन रहे हैं, लगभग मोटा मोटी अगर हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप आराम से जो है 50-60% क्वेश्चंस को कर सकते हो, अगर आप केवल इन्हीं टॉपिक्स पे फॉलो करोगे तो, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये तुम्हारी हो गई हिस्ट्री वाली बातचीत, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या करना है, अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी से आपका काम हो जाएगा, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हो गया, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी आपका रिवर सिस्टम्स है ना, और तुम्हारा माउंटेन रेंजेस, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे है, हिस्टोरिकल जी आई टैक्स कहाँ कहाँ पे मिले, ज्योग्राफी में थोड़ा सा करंट अफेयर भी टच हो जाता है, ये हो गई तुम्हारी ज्योग्राफी की। इको में बेसिक इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो 4-5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में 4-5 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, और वो कोर बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हैं, कोर बेसिक ऑफ इकोनॉमी है, आरबीआई कब बनी, कौन से एक्ट से बनी, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, कितने एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं, बेसिक्स ऑफ इकॉनमी है पूरा। आप अगर पी वाई क्यूज़ की भी एक नज़र मार लोगे ना, पुराने 10 साल के पेपर पे इको कर लोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब आते हैं पॉलिटी, पॉलिटी में पूरा का पूरा जो है, अगर मैं बात करूं तो 70-80% क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो फेम जो जितने भी संविधान के आर्टिकल्स हैं, मेजर हाईलाइटेड, सुप्रीम आपका जो है लोकसभा, राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, रिट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी कैसे काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इतना भी अगर आप करके जा रहे हैं, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को बाद में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था, ये इनकी हाईलाइटेड न्यूज हैं। अगर इतना आप करके जा रहे हो तो आराम से जो है, अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं तो तुम 6-7 क्वेश्चन बना दोगे, इन क्वेश्चन को पकड़ लेना, इन्हीं क्वेश्चन को करना है, ये तुम्हारी पॉलिटी की स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। अब मैंने इको हो गया, ये हो गया, पॉलिटी हो गया, अब मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अब तुम्हारा क्या बचा, साइंस। तुम मेरे को बोलोगे कि सर मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है केवल उसके दम पे अगर मेरा सीडीएस का जीके का पेपर पास हो जाए, दैट इज साइंस, 30 नंबर की साइंस है, फिजिक्स 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने बाय द वे साइंस के 100 एमसीक्यू की वीडियो कराई है, वो वीडियो देख लेना, नजर मारोगे उससे काफी हेल्प हो जाएगी। मिशन अकेडमी करके एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें पूरी वीडियोस मैंने डाल रखी है, उसको सबको देख के जाना एक बार स्पीड बढ़ा के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ, सेल्स, डेफिशिएंसी, डिसीजेस, सेल्स हो गया, डेफिशिएंसी, डिसीजेस हो गया, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन आई, है ना, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, और एंजाइम्स, कहाँ कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का एक्शन क्या होता है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सारी चीज़ें। तो ये बायोलॉजी में अगर इतनी भी चीज़ें ओवरव्यू आपने ले लिया तो आपका काम हो गया बायोलॉजी में, आप आराम से 10 में से 6-7 क्वेश्चन बना लोगे। अब मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री में तुम्हारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, पहला चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है सबसे पहले कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंपाउंड्स, मैटर कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। मैंने जो पेपर कराया था जीएस का, जब मॉक कराया था, तो मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हाईलाइटेड है, उसको देख लेना एक बार जाने से पहले, ठीक है। तो
तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आता है, 10th लेवल का है सारा कुछ, आराम से तुम कर लोगे। इसमें से भी तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन 10 में से आराम से सही हो जाते हैं। 7-8 यहाँ से खींचे है ना, 7-8 बायो में से खींचे, कितने हो गए 14। और फिजिक्स, फिजिक्स में क्या आएगा, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, लाइट, ह्यूमन आई वाला चैप्टर, साउंड, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, केमिस्ट्री में एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर होता है, किसने किसकी खोज करी थी, कि कौन सी थ्योरी किसने दी, जो गेल ओसाक ने किया था, जो एटॉमिक थ्योरी डॉल्टन का क्या सिस्टम था, ये इसमें से अगर तुम मोटा मोटी बनाओगे तो इसमें 30 क्वेश्चन अगर अप्रॉक्सीमेटली साइंस के आ रहे हैं तो तुम 20 से 22 नंबर साइंस में से ही खींच दोगे भाई। बच्चों 20 से 22 नंबर साइंस से ही आ जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ, मेरी साइंस लगभग 20 से 22 दिन चलती है, इसमें एक महीना भी चल जाता है, क्योंकि मेरे को पता है ना कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन, मैं खुद इंजीनियरिंग वाला हूँ तो मैंने तो बचपन से साइंस पढ़ी है कॉलेज तक, ठीक है। तो साइंस आपका बचा सकती है अटेम्प्ट, इस पर पूरा फोकस मारना है, तो जाते जाते रास्ते में कुछ करो ना करो साइंस के सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने हाईलाइट किए ना उनको जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और ये हो गया। अब एक और चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब आता है करंट अफेयर्स एंड डिफेंस जी के। करंट अफेयर हमारे जो है अगस्त सितंबर जो है लास्ट एग्जाम हुआ था आपका, कब, सितंबर में हुआ था ना, तो अगस्त सितंबर, अगस्त से लेके आप अगर फरवरी तक के करंट अफेयर कर रहे हो, अगस्त से लेके फरवरी, ठीक है। अब इसमें भी तुमको हाईलाइटेड अगर मैं बताऊं तो इसमें डिफेंस वाले जितने भी क्वेश्चन है, डिफेंस के एक्विजिशन जो है, डिफेंस जी के मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हुई हैं करंट अफेयर में अगस्त से लेकर फरवरी, और डिफेंस के जितने भी हैं सारे एक बार रिवाइज मारो। मिलिट्री मैंने डिफेंस की 100 MCQs की वीडियो डाल रखी है, वो वाली वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे है। करंट अफेयर्स का कोई और छोर नहीं होता, पर आपको पढ़ना होता है। अब ये तुम सोचोगे कि सर एक दिन में क्या हो जाएगा, नहीं, तुम्हारी आदत नहीं है अगर बनी हुई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको नंबर चुनने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में से। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है अभी ओवरऑल, इसमें डिफेंस जीके और साइंस के भी, मैं केवल डिफेंस जीके और साइंस और करंट अफेयर करके जाता तो भी मेरा पेपर पास होता था, तो मैं दिमाग से खेलता था। तो आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा, आपको नंबर चुनने पड़ेंगे। हिस्ट्री में आपको जो स्ट्रॉन्ग है वो उठा लिया, मॉडर्न मिडाइवल से नंबर उठाए, पॉलिटी में आपने उठाए, इको में आपने उठाए, करंट अफेयर डिफेंस जीके में, ऐसे करते करते जोड़ते जोड़ते तुम्हारे नंबर ना आराम से 50+ पहुंच जाते हैं, बशर्ते आपने 5 से 6 महीने पढ़ाई करी है। आपने अगर 5 से 6 महीने पढ़ाई करी है सीरियसली, टाइम पास नहीं किया, सिस्टमेटिकली आपने किसी अच्छे टीचर के पास जाके बैच में पढ़ाई करी है, ठीक है। अब जितना बेस्ट हो सकता है उतना दो, ठीक है, ये मैंने बता दिया। मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिवाइज कर लेना, नए हथियार जो आए हैं कौन कौन से, नए हेलीकॉप्टर, मिसाइल, शिप्स, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, फाइटर हेलीकॉप्टर, ये सब जो अब इंडक्ट हुए हैं नए नए वो, ठीक है। फौज की कौन सी अकेडमी कहाँ पे है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे स्थित है, रैंक्स क्या है, रैंकिंग स्ट्रक्चर देख लेना, पैरेलल में कौन कौन सी रैंक आती है, ये सारी चीज़ें देख लेना। ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, मेरे वीडियोस इस सब पे हैं ऑलरेडी चैनल पे, देख लेना, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम्हारा 50 का स्कोर हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई तुम्हारी कहानी, यहाँ पे ओटीए वाले बच्चे आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। अब मैं बताऊंगा आईएमए की मैथ्स की कहानी, कि आईएमए के मैथ्स में कैसे करना है। ऑल द वेरी बेस्ट ओटीए वाले बच्चों को मेरी तरफ से यहाँ पे ऑल द बेस्ट। इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो आपने अगर 70-75 नंबर वहाँ से खींचो, 50 नंबर यहाँ से खींचो, तो आपका स्कोर जो है 120+ आराम से हो जाएगा, और इतने पे ओटीए की कट ऑफ बहुत शॉर्ट शॉर्ट मस्त तरीके से निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब फिर मैं आपसे मिलूंगा एसएसबी में। आपको कोई हेल्प चाहिए, इन केस यू वांट टू टॉक टू मी, दिस इज माय नंबर 7017587044, ठीक है। अब ओटीए वाली जनता, एक जाने से पहले एक चीज सुन लेना, मेरा एक सुपर 50 का बैच है, अगर तुम्हारा पेपर पास हो जाता तो बहुत बढ़िया, अगर तुमसे पेपर नहीं निकलता तो इसी नंबर पे 7017587044 पे मुझे मैसेज कर देना। मेरा 1 मई से नया बैच चालू हो रहा है, 1 मई से मैं सुपर 50 का बैच बना चुका हूँ, ऑलरेडी बच्चे आ गए हैं, एडमिशन हो चुके हैं उसमें, एडमिशन अभी भी ऑन है। ये सुपर 50 में केवल 50 बच्चे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ओटीए के 50, आईएमए के 50, कॉम्बो बैचेस के 50-50 और एफकेट के भी 50, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स अभी वापस होंगे अगस्त सितंबर में, तो दूसरी साइकिल अभी एग्जाम की आने वाली है 3-4 महीने के बाद, तो आपको अगर आना है इस बैच में आ सकते हैं, जहाँ पे आप 2 घंटे मेरे से लाइव पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानने का मौका मिलेगा, एग्जाम एक बार में निकल जाएगा अगर आप बात माने को। तो ये हो गई एक बात, ये बैचेस के बारे में ओवरव्यू में देना चाहूँगा, ठीक है। ये तेजस एफकेट का बैच है, ये अर्जुन सीडीएस आईएमए का बैच है, और ये ट्राइडेंट सीडीएस ओटीए का बैच है, और इन सारे बैचेस को कॉम्बो क्लब किया जा सकता है। ओटीए एफकेट कॉम्बो आप ले सकते हो, आईएमए एफकेट कॉम्बो आप ले सकते हो, एनडीए वालों का जीएटी का बैच है, एनडीए का जीएटी का बैच मेरा चलता है। तो ये सारे बैचेस हैं मेरे जिसमें आप आके एडमिशन ले सकते हैं। नाउ आई विल बी नाउ कमिंग बैक टू व्हाट, मैथ्स लड़कों के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं सुपर 50 मेरे नंबर पे मैसेज कर दें। अब आते हैं आईएमए मैथ्स की स्ट्रेटेजी पे, आईएमए मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखो टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, फॉर्मूला ला लो, आंसर निकालो, मिक्स प्रोपोर्शन हो गया, बाई प्रोपोर्शन हो गया, बेसिक बेस ये सारी चीजें, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप कर लोगे आराम से कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, आराम से बना दोगे। फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी सी चीज़ें घूमती हैं, बट हो किया जा सकता है। परसेंटेज सोल है यार मैथ की, परसेंटेज जो है अरिथमेटिक के बारे में मैं बात करूँ तो 40-45 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं, ठीक है।
प्रॉफिट लॉस बहुत इजी टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन में मिक्स एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बेसिक हो गया, तीन तरीके की चीजें पूछा, और एवरेज। ये ऐसा टॉपिक है जहां से अगर आपने किसी का अरिथमेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो वो बच्चा खींच देगा 40-45 नंबर और उसका आई एम ए क्लियर, पर और कैसे नंबर खींचे जाएंगे। अब आते हैं एडवांस में, इसमें एलजेब्रा, यहाँ पे बेसिक जुगाड़ मेथड भी लगाओगे ना, ऑप्शंस को देखोगे, क्वेश्चन में पुट करोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। एलजेब्रा के अंदर ये कहानी चलती है, सीडीएस में इतने से हो जाता है काम। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 10-15 क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का आपका हाइट एंड डिस्टेंस तक क्लियर होना चाहिए पूरा फंडा, मैंने अपने बैच में बच्चों को पढ़ाया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन में 2D 3D भाई डायग्राम बेस्ड है, फॉर्मूले पता है आपके दिमाग में, विजुलाइजेशन आप कर सकते हो, वॉल्यूम पुट करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ये कहानी है। SCF LCM के 2 क्वेश्चन आते हैं, करना चाहो कर लो, नहीं तुम्हारी मर्जी है। ज्योमेट्री 30-35 क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी आते हैं, तो इसको भी खींचा जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये रहा, और मेंसुरेशन, ये तीन टॉपिक में भी अगर आप इस तरीके से एडवांस मैथ्स पे खेलना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कर लो, तुम्हारे 55-60 क्वेश्चन यहां से आराम से बनते हैं, ठीक है, 55-60 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, ये भी किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम इन टॉपिक्स को कर लो, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कर लो, पर एक चीज ये है कि पहले से लेके 100-100 क्वेश्चन तक, फर्स्ट टू 100 क्वेश्चन देखना जरूर, जहां पे कैलकुलेशन लेंदी हो है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना, तब आप पास हो गए। ये थी आई एम ए की मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी, इसी के दम पे मैंने 5 बार सीडीएस का आई एम ए क्लियर किया है। आई एम नॉट ओनली क्लियर आई एम ए, मैंने AFA के लिए क्वालिफाई करता था क्योंकि मैं फ्लाइंग का था, तो AFA, नेवल अकेडमी, IMA एंड देन OTA तो हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी को मानो, इसको फॉलो करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, इन केस यू वॉन्ट टू कम टू माई दिस बैच, बच्चों सुपर 50 में आप आना चाहते हैं, ये अपना सुपर 50 का बैच है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नंबर मेरा है, दिस इज माई नंबर, इस नंबर पर आप आके मुझे व्हाट्सअप करो, सर मुझे बैच में ले लो, मैं पढ़ा दूंगा तुमको। अगला बैच 2 मई-4 जून 4 महीने चलेगा, 1 सितंबर को पेपर है। जय हिंद, और जाओ मचा दो अच्छे से, कोई दिक्कत आएगी तो बताना मुझे, और एनालिसिस डालूंगा, आंसर की भी डालूंगा, चैनल पे सब कुछ आएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना, मिलता हूँ अगली क्लास में बच्चों।